जी छोड़ो कर। अब इस बायोगैस यूनिट से जो सैलरी निकलती है आप देख रहे हो उसको बायोगैस सैलरी बोलते हैं। अपने आप में ये खुद भी बहुत न्यूट्रिटिव है एज कम्पेयर टू जो गोबर की खाद है, क्योंकि इससे गैस निकल गई, ये ठंडा हो गया है, इसकी तासील सही होगी, तो उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इस सैलरी से तैयार करते हैं वर्मी कम्पोस्ट। वर्मी कम्पोस्ट जो आपकी जैविक खेती की जब भी बात करते हैं, वर्मी कम्पोस्ट सबसे अच्छा खाद माना गया है, जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। खादें दो प्रकार की होती है, एक तो हमारे जो यूरिया डीएपी ये सारा इनको बोलते हैं कृत्रिम खादें, और उसके अलावा ये जो है ये है हमारी ऑर्गेनिक खादें। ऑर्गेनिक खादों में आज के तारीख में जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है केचुए की खाद। अब ये बनती कैसी है, इसके लिए सबसे केचुए खाद तैयार करने के लिए एक तो पक्का फर्श होना चाहिए और एक छायादार जगह हो जहाँ से इसको छाया नहीं है और पानी की थोड़ी व्यवस्था हो। और ये तैयार होने में कम से कम अगर डायरेक्ट गोबर की यूज़ करते हैं तो 60 से 70 दिन लगते हैं, और अगर सदरी से इसको तैयार करते हैं तो ये बेड तैयार हो जाती है हमारी 45 से 50 दिन में। 20 दिन कम लगते हैं क्योंकि गोबर जो हो उसका साइज़ ज़्यादा है, ये इसका बारीक साइज़ है, केचुआ इसको आराम से खाता है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले नीचे की साइड पक्का फर्श पे कोई भी कूड़ा करकट हो, फार्म वेस्ट हो, जितना भी आप देख रहे हो फार्म में जितना भी कबाड़ है हम वहाँ पीछे डाल लेते हैं, इसको फिर इसमें यूज़ करते हैं। इससे हमें साल भर में, ये आप छोटे से यूनिट देख रहे हो ना, इसको हम केचुए की खाद सेल करते हैं, केचुए तो ये 1 लाख रुपए हमें साल भर का देती है, छोटे सी यूनिट कुछ भी नहीं है। अब क्या मेहनत है, सुबह सुबह अपनी बेड बनाई, बेड बनाने में 2 आदमी आराम से एक बेड तैयार करने में 2-2.5 घंटे में एक बेड तैयार कर देते हैं, और इसको निकालने का हो तो ये कम से कम ये जो यूनिट है हमें साल भर के 1 लाख रुपए नेट सेविंग, जिसमें हम लेबर का खर्चा भी निकाल के इसमें लेते हैं। ये हो गया तो हमारे यहाँ इनकम का क्या सोर्स हो गया, एक तो विभिन्न प्रकार के फसल चक्र हैं, डेयरी से होगी, और ये कौन सा वर्मी कम्पोस्ट से हो गया। इसके अलावा वो उधर आप देख रहे हो वो हमारा मशरूम यूनिट है। मशरूम यूनिट में हम 2 प्रकार की मशरूम लेते हैं, एक तो बारिश के टाइम लेते हैं डींगरी, और गर्म अभी जो सर्दियाँ थी उसमें हम लेते हैं हमारी बटन मशरूम। तो इस यूनिट से हमें साल भर में, छोटी यूनिट है, हमें नेट सेविंग आ जाती है 25 से 30 हज़ार रुपये उससे। उसके अलावा हमारी फिशरीज यूनिट है, वो आप देख रहे हो अभी वो पॉन्ड थोड़ा रिपेयर करेंगे, उसमें सीपेज लॉस हो रहा था, वहाँ से हमें 30 से 45 हज़ार रुपये साल भर की इनकम हो जाती है। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ये हमारा है किचन गार्डनिंग का ब्लॉग। अब जैसे गवार लगा दिया हमने, उधर प्याज थे, तो साल भर में इसमें जो भी सब्जियां, भिंडी लगा दी है वो हम लगा लेते हैं इस यूनिट से। हमें कम से कम उधर टमाटर लगा रखे हैं, इससे किचन गार्डनिंग से हमें साल भर में 40 से 50 हज़ार रुपये हमारे नेट से नेट प्रॉफिट इससे जनरेट हो जाता है। इसके अलावा जो है इसको सेलिंग के लिए हम ओपन मार्केट में, बाकी हमारे बागवानी है आप उधर देख रहे हो, इससे हम साल भर में 20 हज़ार रुपये के अमरूद और नींबू हम सेल कर देते हैं। ऐसे कुल मिला के इन सारे घटकों से हम खर्चे निकोल के पिछले 5 साल का जो एवरेज है हमारा 2.5 लाख रुपये के आसपास हम इसमें नेट सेविंग, जिसमें हमारी लेबर जो यहाँ लगती है ना उसका भी खर्चा निकाल देते हैं। तो ये इस प्रकार, अब एक फैमिली अगर ये सारी चीज़ें करेगी तो उसको एक तो भरपूर तो रोज़गार मिलेगा सबको, चाहे वो सब जो डिफरेंट सेगमेंट्स है कौन से, जैसे मान लो बड़े हैं वो थोड़ा किचन गार्डनिंग में कंट्रीब्यूट कर दिया, जो वर्क फोर्स है यूथ है वो उसको उसमें ले लिया, तो साल भर एक तो उसकी मार्केट डिपेंडेंसी घट जाएगी, यहीं से सब्जियां ले रहा है यहीं से ले रहा है, तो उसका हेल्थ ठीक रहेगा। इनकम की बात करें, क्योंकि देखते हैं कि पिछले 2 खरीफ सीजन की बात करें तो हमारी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फसलें ख़राब हो जाती है कई बार, टर्मिनल हीट आ गई, तो कहीं ना कहीं फसलें अगर वहाँ का, तो ये इनकम यहाँ से जनरेट हो जाती है, तो इसकी रेगुलर इनकम बनी रहती है और साल भर उसको रोज़गार मिलता है, और भरपेट जो आप कह रहे हो कि न्यूट्रिशनल डाइट की जो बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ किसानी की समस्या है, और एक छोटी जोत पे ये सारे कंपोनेंट है, तो उसकी इनकम उस पर रेगुलर बनी रहेगी। तो ऐसे साल भर मिला के हम 2 से 2.5 लाख रुपये उसमें नेट सेविंग। किसान भाई इसको और अपने तरीके से कर सकते हैं, पर सबसे ज़रूरी है कि कोई भी किसान अगर इसको नई चीज़, जैसे आप लोग भी हो शुरू करना चाहते हो, डायरेक्ट इस पर नहीं जाएं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी फार्म बजटिंग एक होती है, कि आपका पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी ज़मीन की तासीर क्या है, वो सारा आप एनालाइज करो। आपकी ज़मीन अगर शहर के पास है, कोई गाँव में है, किस चीज़ का स्कोप है, मान लो आपके गांव में वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप पोल्ट्री, पिगरी, गोटरी उन पे जा सकते हो, तो ये बहुत आपको स्कोप देती है। जितना मेहनत करोगे, जितना ज्ञान, और सब उसके बाद फार्म बजटिंग के बाद है तकनीकी ज्ञान ज़रूरी है,
कोई भी चीज है, नई चीज है, नई चीज को अपनाते हैं तो उसका बहुत तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा, मान लो वर्मी कंपोस्ट का बना लिया, बहुत सारे किसान आते हैं शेड बना ली भाई, मतलब एक किले में शेड लगा दी, तैयार भी कर ली, अब बेचूं कहां। ये सारा आप जिसको हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं, वो आपके एरिया के हिसाब से, मान लो किसी शहर के पास है तो आप वेजिटेबल्स में जा सकते हो, आप कोई आपकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ कोई अच्छा मंदिर है तो आप उसको यूज कर लें। कभी भी आप कोई भी चीज शुरू करो ना, एक बड़े लेवल पे मत जाओ, एक थोड़ा सा उसका ट्रायल करके देखो, छायादार जगह हो, एक पन्नी बिछा दी। गोबर आपको यूज करना है, वो ठंडा गोबर, ताजा गोबर कभी यूज नहीं करना। आप देखते होने गोबर हमेशा हम डाल देते हैं फिर उसको खो देते हैं या कस्सी वगैरह से करते हैं तो क्या लगता है उसमें बबका निकलता है, वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के लिए 15 से 20 दिन में गोबर अपने आप ठंडा हो जाता है। फिर भी आपको अगर जल्दी है तो जैसे ये डेरी है इसको इकट्ठा करके इसके टॉप में थोड़ा सा होल बना के पानी भर दो, और कोई ब्लैक पन्नी थोड़ा सा हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो करके वो जल्दी आपको 10 या 15 दिन में तैयार हो जाती है। वैसे सड़ा खाद आप कहे, ताज़ा गोबर की खाद ने हो, और इसको तैयार करने के लिए पन्नी के सबसे नीचे का जो पार्ट है उस पर आप फार्म की कोई भी अवशेष हैं, जैसे बेल सब्जियां हैं उनकी बेल हो या कोई और जो भी वेस्ट है उसकी एक परत बिछा दें। उसके बाद उस पर 15 से 20 सेंटीमीटर की गोबर की लेयर, जैसे गोबर आप देख रहे हो इधर, यहाँ तो नहीं है, 15 से 20 सेंटीमीटर एक गोबर की लेयर बना के इतनी ऊंची एक लेयर बनाए। ध्यान रखें इसका साइज जो है बेड का, लंबाई तो आपकी छाया जितनी है उतनी लंबाई तो कितनी भी हो जाती है जितनी आपके पास छाया है, लेकिन इसकी चौड़ाई है ना आपको 3 फीट होनी चाहिए, और इसकी ऊंचाई है हमेशा 2 से 2.5 फीट या 1.5 से 2 फीट इसकी ऊंचाई हो, क्योंकि यह जो साइज है इस पर केचवा अच्छा मूवमेंट करता है। ज़्यादा ले लोगे 4 फीट का ले लिया, 3 फीट ऊंची कर दी तो वो गोबर तैयार नहीं होगी, और आपको लगेगा कि यार ये तो महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, गोबर तैयार ही नहीं हुई। तो सबसे जो परफेक्ट साइज है 3 फीट चौड़ी होनी चाहिए और 1.5 से 2 फीट उसकी ऊंचाई हो, और उसके बाद जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर एक लेयर होगी। उसके बाद जो भी पत्ते हैं फार्म के, हम तो क्या करते हैं सारा वेस्ट है ना, इसकी या तो चॉपिंग कर लें या फिर जो सड़ गया जैसे ये है इसकी एक लेयर लो, फिर उसके ऊपर आप कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की एक लेयर और आप गोबर की लें, और उस लेयर के बाद में आपको 8 फीट अगर साइज है ना तो उसमें 2 से 2.5 किलो केचवे जो लास्ट वाली लेयर है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दें, जो टॉप लेयर है, फिर एक लेयर छोटी लेयर जैसे गोबर की करके, और उसको उसके ऊपर आप ढकने के लिए एक बोरी आती है ना, आपको बोरी का यूज करें, जूट की बोरी, हाँ जूट की बोरी, एक पलड़ बना के डबल नहीं ताकि एरेशन हो, अगर खुले में है तो आप बोरी लो और उसको पूरी तरह से ढक दो, या कोई हम तो इसको क्या करते हैं जो फार्म वेस्ट है उससे ढक देते हैं, ताकि ये अंधेरा बहुत पसंद है इसको, अंधेरे में इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, अगर लाइट से ज़्यादा एक्सपोज रहेगी बेड तो ये नीचे की तरफ रहेगा ऊपर आएगा ही नहीं, तो अच्छी तरह से ढक दें। और पानी सबसे ज़रूरी है, फिर एक बार बेड तैयार होगी, आपने बेड को बिल्कुल तैयार कर दिया, ढक दिया, उसके बाद सबसे ज़रूरी है पानी, और कुछ नहीं चाहिए, वो केचो अपना काम अपने आप करेगा। तो पानी के लिए गर्मियों में, जैसे गर्मी ज़्यादा है तो दिन में 2 बार सुबह और शाम, और सर्दियों में 2 दिन में 1 बार आप उसमें नमी बनाए रखें, नमी इतनी बनाए रखें जैसे ये है, ये परफेक्ट नमी है कि इसके गोबर को हम उठाएं तो हमारे हाथों से पानी ना निकले, मतलब ये जो हमारी मुट्ठी है ना, अगर नॉर्मली चेक करें तो यहाँ से पानी ना निकले, इतनी गीली होनी चाहिए वो इसका, ज़्यादा पानी कर दोगे तो क्या है उसका एरिएशन रुक जाएगा और ये केचुए मर जाते हैं। उसके बाद आपको पानी का ध्यान रखना है, और उसके 60 से 70 दिन उसको तैयार होने में लगते हैं, अगर सैलरी यूज़ कर रहे हो तो आपको टाइम कम। और तैयार होने का ये है कि जैसे वो बेड है आप देख रहे हो, सबसे बैठी हुई बेड कौन सी है नहीं है आपको, जैसे कोई टाइम था ही बेड ऐसी थी, उधर देख रहे हो ना आप पूरा ताज़ा, उसके बाद ही तैयार होकर बैठ जाएगी। देखो ये बेड आपको दिख रही है ना, खुद को लग रहा है कि तैयार से होगी ये बेड, ये दोनों बेड है ना बिल्कुल तैयार है, ये तैयार होगी। अब इसको बेचने के लिए सबसे पहले जो आप ऊपर की जो लेयर है ये कूड़ा करकट है, जैसे बताया आपने भाई
ये कंपनियों का यूँ ही डालना, एक बार जैसे नीचे पत्ते वगैरह बिछा दिए, फिर कोई आपका लकड़ी की कोई चीज से इकट्ठा कर लें ताकि जो अगली दूसरी बेड बनेगी उसमें इसको यूज कर लें, क्योंकि ये भी कोई टाइम ताजा था जिसके कबाड़ है उसकी तरह, लेकिन अब ये गल गया तो उसमें एक लेयर बन जाएगी, इसको साइड कर दो। उसके बाद आप लकड़ी का कोई भी फट्टा लेके, नुकीली चीज ना लें लोहे की, कट जाते हैं केंचुए, तो लकड़ी का कोई भी फट्टा नुकीली लकड़ी की लेके इसको गोदो। जैसे इसको आप हिलाओगे ना उसकी मूवमेंट होएगी और वो डेप्थ में चला जाता है, जैसे इसको थोड़ा लाइट से एक्सपोज होगा थोड़ी मूवमेंट मिलेगी, उस कंडीशन में ये डेप में चला जाएगा। और फिर आप उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर की लेयर को कोई फट्टे से कोने में इकट्ठा कर लें, फिर नीचे की लेयर को गोदें, फिर इकट्ठा कर लें, ऐसे करोगे तो लास्ट में आप केंचुए की एक लेयर बनेगी। दूसरे केंचुए होते हैं जो पैरेलल जो मूवमेंट करते हैं, ऐसी मूवमेंट होगी। तीसरी प्रकार की जो स्पीशीज है वो डेप्थ में जाते हैं, ऊपर आते हैं, जो आप हम देखते हैं ना जो खेतों में, वो केंचुए वो हैं, या तो जो लेटरल मूवमेंट वाली स्पीशीज है, या अंदर जाएंगे बाहर आ जाएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आ जाएंगे, वो कामयाब नहीं है। वो जैसे वो बताते हैं ना, ये प्राकृतिक खेती वाले जमीन को भुरभुरी बना देते हैं, वो भुरभुरी बना देंगे, पर मतलब ये जो ये आप प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें ताशीर नहीं है। इसके लिए एशिया फेटिडा स्पीशीज होती है जो भूरे रंग के मटमेंटे जो छोटे होते हैं, इतने इनका साइज होता है, तो वो इसी साइज जो केंचुए हैं यही स्पीशीज लोग है ना, तो क्योंकि ये जमीन के ऊपर रहने वाले केंचुए हैं। सुनील एक बार आना, और जो मैं कह रहा हूँ जमीन के अंदर जाता है बाहर आ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है वो डेप्थ में चला जाएगा, और जब टेम्परेचर घटता है वो ऊपर आ जाता है, तो वो कामयाब नहीं है, उमर जाएगा उसको अगर हम करेंगे। एक बार इनको केंचुए बताऊंगा, जैसे इसने अब हमें किसी को बेचना है तो इसको गोद दिया, अब ये देखो नीचे चले गए ना सारे, ये वाली स्पीशीज है, तो कोई अगर आप परचेज भी करो ना कभी, अच्छा यू भी प्रोवाइड करवाओ जी ये चीज। हाँ ये हम दे देंगे, जैसे अब हमारे एक बार इनको ऊपर कर ले, जैसे उधर से फोटोंगे, अच्छा ना जब उधर से खींच ले, इधर से ले ले, काट एक बार काट ले, हाथ में ले ले, ऊपर उठा ले, मुट्ठी भर ले, अरे भर ले, खाते नहीं है ये। हाँ उसका ना देख, कौन सा बताया था ये, यही सीनियर फेटिडा स्पीशीज है, कर इस तरह का देख लीजिए, तो ये नीचे रहता है उसमें खाद भी रह जाती है, खाद तो रहेगी, हाँ वो तो बस इसका काम ही है ये कि खराब चीजों को खाना नीचे है जी, जैसे ये है ले इधर नहीं, इसमें जैसे ये होने लग रहा है ना, ये जैसे खाते जाएंगे नीचे जाते जाएंगे, ऊपर जो है ना वो इंडे तो इनके लगातार चलते रहेंगे, इसमें मेल फीमेल इकट्ठा होता है, एक में ही होता है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इनकी मेटिंग एक में ही है, एक में दोनों चलते रहते हैं साइकिल। अब जैसे ये है, अभी नमी बढ़िया है तो केंचुए, हम जैसे अब मान लो हमने केंचुए सेल करने हैं, तो जैसे कोई कह दिया कि मेरे को 10 किलो केंचुए चाहिए, हम बढ़िया सी नमी रखेंगे, अब इस बेड में आराम से आपको 15 किलो केंचुए हैं, तो हमें इस बेड के लिए 2 किलो ही चाहिए, बाकी हम सेल कर देते हैं, 500 रुपए किलो जाता है, इधर से बेचते हैं, तो जैसे हम उसमें ये गोबर वगैरह ये खाद भी होगा, हाँ खाद होगा, वो एग्जैक्ट 1 किलो तोल के नहीं देते, 2-2.5 किलो खाद देते हैं, उसमें आराम से 1 किलो केंचुआ, 1 किलो अगर केंचुआ है तो ये मानो कि 15 से 20 हजार, 1500 से 2000 के बीच में केंचुआ होना चाहिए, छोटा बड़ा सारा साइज जो, नहीं जैसे हमने ले लिया 1 किलो केंचुए लेने, तो उसमें टोटल वेट कितना होना चाहिए खाद से, वो 2.5-3 किलो, जैसे 2.5-3 किलो देंगे, 1 किलो जो नीचे वाला जो है, अगर 2.5 किलो खाद रो दे दिया तो नहीं, अगर केंचुए केंचुए देंगे तो मर जाएंगे आपको, काम सही अगर आपको जरूरी है वो तो है, नमी हो और इतना भी नहीं टोक हो जाएगी और ये केंचुए मर जाते हैं। आ जाओ जल्दी आगे, जल्दी आओ,